हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं वेल बीइंग इलेक्ट्रो होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड नेचुरल हेल्थ साइंसेस रिसर्च सेंटर, जो कि अमृतसर रोड नियर SBI बैंक सिटी दशमेश नगर मोगा में है। हमारी टीम ने यहाँ डॉक्टर वरिंदर सिंह भुलर जी के साथ बातचीत की। डॉक्टर वरिंदर सिंह भुलर DNYS दिल्ली BEMS MD हैं। डॉक्टर वरिंदर जी पिछले 13 वर्षों से अलग अलग 12 वेलनेस सेंटर्स पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पर किडनी की बीमारियाँ, बच्चेदानी की बीमारियाँ, दिल के रोग, जोड़ों के दर्द, सांस की समस्या व अलग अलग बीमारियों का इलाज किया जाता है। दूर दूर से मरीज यहाँ आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। वेलबींग होम्योपैथी सेंटर मरीजों के लिए एक वरदान है। बीते दिनों वेलबींग इलेक्ट्रो होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड नेचुरल हेल्थ साइंसेस रिसर्च सेंटर मोगा में राजस्थान से डॉक्टर दर्शन मलिक जी पहुंचे। डॉक्टर दर्शन मलिक जी की रिसर्च का मुख्य विषय था देसी गाय के गोबर से बायो मटेरियल कैसे बनाया जाता है। वह इस कार्य में माहिर हैं। इस अवसर पर डॉक्टर वरिंदर सिंह भुलर जी काफी उत्साहित दिखे। हमारी टीम ने डॉक्टर दर्शन मलिक जी से बातचीत की, जिन्होंने हमें इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। हमारी टीम ने डॉक्टर वरिंदर सिंह भुलर जी से बातचीत की। पिछले लंबे समय से आपकी सेवाएं जो है मोगा और आसपास के बहुत सारे इलाकों में चल रही हैं, और आज हम देखा कि आप बड़े उत्साहित हैं और अपने डॉक्टर साहब जो आए हैं इनका आपने बार वेलकम किया है। क्या कहना चाहेंगे कि क्या मतलब इनका क्लिनिक स्टेंट है जिसके कारण कि आप लोग जुड़े? पंजाब प्लस के सभी दर्शकों को सबसे पहले मेरी तरफ से नमस्कार। आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारी संस्था वेलबींग हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिस में राजस्थान से और कंप्लीट नेशनल लेवल पे जो जिन्होंने बायो मटेरियल मींस देसी गाय के ऊपर जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छी और बायो मटेरियल कैसे बनाया जाता है देसी गाय से और अच्छी रिसर्च करी उन्होंने डॉक्टर दर्शन मलिक जी, वो आज हमारे ऑफिस में पधारे हैं। और सबसे पहले हम अपनी संस्था की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। उन्होंने समय निकाला और जहाँ तक हमारे ऑफिस तक वो पहुँचे, और उनकी जो जीवन का जो रिसर्च है उन्होंने इसमें बहुत सारी ऐसी क्रिएशन करी, इनोवेशन करी, और वो फाउंडर भी हैं वैदिक प्लास्टर के, जिन्होंने एक इस तरह का सीमेंट बनाया जिसे आप अपने घरों की दीवारों को थर्मल इंसुलेशन के जरिए मींस टेम्परेचर को गर्मियों में आपको कंट्रोल टेम्परेचर मिल सकता है, सर्दियों में भी कंट्रोल टेम्परेचर मिल सकता है। बाकी इसका ब्रीफली वो ये इसके बारे में सारा अभी आपके सामने रखेंगे। मेन चीज़ ये है कि नेचुरल साइंस के ऊपर हमारी संस्था काम कर रही है, और विश्व में कहीं भी अगर कोई किसी इंसान ने नेचुरल साइंस के लिए अपने जीवन को का कोई हिस्सा लगाया है तो हम सब मिलके पूरे विश्व को कमांड कर सकते हैं। और खाली हमारे देश के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर ऐसी बहुत सारी सोर्सेज हैं जिनको अभी इंट्रोड्यूस करवाना बाकी है, और उनमें से जो देसी गाय के ऊपर रिसर्च करी है डॉक्टर साहब ने वो वाकई ही एक फेबुलस वर्क है, और नई पीढ़ी, नई जो जनरेशन है उनको वो बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने सर्व करी है, सौगात दी है, क्योंकि नई जनरेशन को अभी खासकर अपने मुल्क की जनरेशन को ये चीज़ कन्फर्म ही नहीं हो पा रही कि हम सोने की खान पे पैदा हो रहे हैं, लेकिन ये खान के नीचे सोना है ये कन्फर्म नहीं हो पा रहा। तो उनमें से एक बहुत बड़ा एफर्ट डॉक्टर दर्शन मलिक जी ने किया, और उनके एफर्ट की वजह से ही ये चीज़ें हमारे तक पहुंची है, और बाकी की आगे की जानकारी हम उन्हीं से लेंगे जी। पंजाब प्लस का और इस संस्था दोनों का मैं धन्यवाद दूंगा। आप लोग जो काम कर रहे हैं मुझे पहले से ही पता है। आज जो समय की ज़रूरत है वो क्या है? समय की ज़रूरत है हमें एक दूसरी तरफ मोड़ना पड़ेगा। वो दूसरी तरफ कैसे मोड़ना पड़ेगा उसकी तरफ हमें सोचना है। आज जो ये पोल्यूशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, आज ये जो कार्बन एमिशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, आज जो ग्लोबल वार्मिंग है जिसकी सारा संसार चिंतित है, उससे अगर हमें बचना है तो हमें नेचुरल वे ऑफ लिविंग की तरफ ही जाना पड़ेगा। और नेचुरल वे ऑफ लिविंग में सबसे पहला जो स्टेप है वो है हमारा घर।
आज जो हम ये घर बना रहे हैं कंक्रीट का, जो हमने जंगल बिछाने पे आगे से आगे लगे हुए हैं, ये सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल का मतलब होता है जो लगातार चले। उस टाइम के अंदर ही हमें जो है शहरों के अंदर घुटन होने लगी है। जितने भी हमारे शहर हैं वो कितने पुराने हैं, 30 साल, 40 साल, 50 साल। छोटे छोटे शहर थे, छोटे छोटे गांव थे, अलग अलग बसे हुए थे, वहां पे जितना जो पोल्यूशन था, आसपास पेड़ पौधे होते थे, वो सारे उसको सोख लेते थे। अब बड़े बड़े शहर हो गए, एक जगह आबादी ज्यादा होगी, वहीं पे सारी कार है, वहीं पे सारी इंडस्ट्री है, वहीं पे सारा अपना बिल्डिंग है, सब कुछ है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, तो इस वजह से शहरों में प्रदूषण ज्यादा है। तो शहरों के अंदर या किसी भी जगह प्रदूषण कम कैसे किया जाए, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, जिससे प्रकृति ठीक रहे, उसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। और उसके लिए हमने कई चीज़ें बनाई, वैदिक प्लास्टर बनाया, नेचुरल प्लास्टर जो है गाय के गोबर जिप्सम वगैरह से, और गोक्रीट बनाया, यानी कि आप कंप्लीट घर, आपका आपका जो मिट्टी है, जो गोबर है, उससे आप कंप्लीट घर बना सकते हैं, दीवार खड़ी कर सकते हैं, दीवारों की लिपाई उससे कर सकते हैं, फर्श उससे बना सकते हैं, छत जो है नेचुरल बना सकते हैं, और मल्टी स्टोरी बना सकते हैं। अब तो यही था कि कच्चा बनेगा तो एक मंजिल का बनेगा, दो मंजिल का बनाना हम सोचते ही नहीं थे, संभव ही नहीं था। तो हमने जो ये किया है, इसके अंदर जो है आप मल्टी स्टोरी के अंदर भी जा सकते हैं और नेचुरल तरीके से घर बना के नेचुरल तरीके से रह सकते हैं। आज जो हमारी जो दीवारें हैं, इस ऑफिस में मैं बैठा हूँ, इस पे भी हमारे यहाँ पे एक सीलिंग है, इस दीवार में यहाँ पे भी सीलिंग है। जब यहाँ पे हम 6 आदमी जो बैठे हैं, हमारा भी यहाँ पे सांसों का आदान प्रदान हो रहा है, और हमारी सांसों के आदान प्रदान से कुछ न कुछ कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ न कुछ ऐसे तत्व हमारे यहाँ पे जो है निकल रहे हैं। अगर ये कच्चा होता, मिट्टी वगैरह से होता, तो मिट्टी इसको सोख लेती। अब जैसे हम जिस युग की बात कर रहे हैं, वो कोरोना के बाद का युग है। कोरोना के अंदर जो फाइंडिंग थी, वायरस के ऊपर जो फाइंडिंग मिली, वो क्या थी, वो ये थी, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा स्टील स्ट्रक्चर है, या बहुत ज़्यादा अपने स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, मेटलिक स्ट्रक्चर है, या ये शीशा है, इसके ऊपर अगर वो कोरोना चिपक गया तो वो 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। अगर सेमी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर वो कोरोना 1 से 2 दिन जिंदा रहेगा। लेकिन अगर मिट्टी वाली सरफेस है, उसके ऊपर कोरोना आके चला गया, तो 1 से 1.5 घंटा जिंदा रहेगा, क्योंकि मिट्टी जो है उसके ऊपर वाला जो आवरण है, उसके अंदर से पानी और उसके अंदर से जो ऑयल है उसको एब्जॉर्ब करके उसको तोड़ देती है। उसके ऊपर का आवरण टूटते ही, वायरस का आवरण टूटते ही वहां पे वो खत्म हो जाता है। तो मिट्टी के मकान जो है वो हेल्दी होते हैं, उनके अंदर नेचर भी बचती है और आदमी की हेल्थ भी ठीक रहती है। हेल्थ के बारे में बात करें, पर्यावरण के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम जो है काफ़ी समय से इनके साथ मिलके काम भी कर रहे हैं, और आगे मैं इनके अच्छे भविष्य की कामना भी करता हूँ। इन्होंने यहाँ पे गोबर से ईंटें भी बनाई है, और आगे जो इनका प्रोजेक्ट है, यहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल बनाए, जिसके अंदर जो है यहाँ पे नेचुरल तरीके से, नेचुरल बिल्डिंग के अंदर रह के आदमियों का इलाज और वो स्वस्थ हों, इस प्रकार से जो काम कर रहे हैं, हमारा इनको समर्थन भी है और सहयोग भी है। सर, आपके साथ और भी जो विशेषज्ञ आए हैं, उनके बारे में थोड़ा आप बताएं, फिर हम उनसे बात करें। ये हमारे साथी हैं मनवीर जी, और ये आज का जो दौर है, आज का जो जमाना है, जैसे हम पेस्टिसाइड डालते हैं हर एक चीज के अंदर, जो आया पेस्टिसाइड डाल दो, ये डाल दो, हर्बिसाइड डाल दो, दूसरे डाल दो, तो उससे क्या है, हमारे जो खेतों में हमारे किसानों को पता है कि कुछ जीव मित्र जो कीट मित्र होते हैं और कुछ शत्रु कीट होते हैं। मित्र कीट और शत्रु कीट दो टाइप के कीट होते हैं। जब हम जहर डालते हैं तो जो जहर है वो शत्रु और मित्र को नहीं देखता, वो तो जीवों को मारता ही मारता है। तो ये हमारे साथी मनवीर रेडू हरियाणा से ही आए हमारे साथ, और ये लोगों को यही बताते हैं कि मित्र कीट जो है उसकी क्या क्या पहचान है, वो कैसे कैसे फायदा पहुंचाता है, और शत्रु कीट की क्या कुछ, उसको कम कैसे किया जाता है, मित्र कीटों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है, उनकी पहचान कैसी है। यानी कि हम प्रकृति के साथ रहें, प्रकृति का उपयोग करें और उसी से अपना उपार्जन करें, धन कमाएं, प्रकृति की रक्षा करें। तो ये हमारे साथी मनवीर जी हैं, ये वहीं से हरियाणा से हमारे साथ आए। एक इरा बन रहा है नया, जिसमें हर चीज जो है बहुत ही क्रिएटिव और जिस तरीके से नेचुरल चीजों के साथ लोगों को जोड़ा जा रहा है, और आप भी उसी टीम के भी साथ में साथी बने, क्या कहना चाहेंगे? ये दरअसल दुनिया में डर दिखा के पैसा निकालने का जो सिस्टम था, उसने काफी नुकसान पहुंचाया हमारी सेहत को, हमारे पर्यावरण को। डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी हमारे गुरुजी होते थे, उन्होंने कीटों को पहचान करने का एक तरीका किसानों को बताया, और उस तरीके के द्वारा जब हमारे को पता चला
केवल 43 प्रकार के शाकाहारी कीटों के ऊपर हमने सर्च करके देखा और 161 प्रकार के मांसाहारी कीटों के ऊपर जब हमने सर्च करके देखा तो कोई भी कीट हमारे को दुश्मन नजर नहीं आया, कोई भी कीट हमारा मित्र नजर नहीं आया। हर कीट का एक कार्य हमारे को दुश्मन की श्रेणी में ले जाने के लिए विवश करता है और उसी तरह से एक मांसाहारी कीट का भी एक कार्य है, उसको दुश्मन की श्रेणी में ले जा सकता है। तो एक्चुअली में खाने के हिसाब से कीट केवल दो ही प्रकार के हैं, या तो शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं। शाकाहारी कीट भी पौधों की जरूरत के अनुसार पौधे के पास आते हैं, लेकिन हमारी गलतियों से उनकी संख्या बढ़ जाती है। जैसे ही हमने जिस भी कीट को मारने के लिए टारगेट किया, उसी कीट ने अपनी संख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया और वो जब बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ गई तब उसने नुकसान किया। यानी कीट की संख्या दुश्मन हो सकती है, कीट दुश्मन नहीं है। शाकाहारी कीट भी पौधे की जरूरत के अनुसार आते हैं और उनका आने का एक स्पेशल उद्देश्य होता है। और पौधे के पास कीट को बुलाने के लिए से केवल एक महक होती है, फ्रेग्रेंस होती है, और उसी के तहत वो उसको बुला भी सकता है और भगा भी सकता है। तो जैसे ही हमने इसमें पेस्टिसाइडों का प्रयोग किया तो वो ताकत उनकी छूट गई जो बुलाने की थी और भगाने की थी, और कीटों ने अपने डर के कारण, अपना वंश खत्म होने के डर के कारण अपनी संख्या को बढ़ा लिया और जिन कीटों ने उनको कंट्रोल करना था वो कीट पेस्टिसाइड के कारण खेत से बाहर हो गए। तो इस तरह से जब वो बेकाबू हुए तो आज ये सारी स्थिति, जैसे पर्यावरण का भी नुकसान है, हमारी सेहतों का भी नुकसान है, हमारे किसानों के लिए आर्थिक नुकसान भी है। जब हम सर्वे करके देखते हैं, एक किसी खेत का एनालिसिस करके देखते हैं, तो हमारे को पता चलता है उसमें से कीटों द्वारा जो नुकसान किया जाना था वो लगभग 100 रुपये के आसपास होता है, तो उसको बचाने के लिए हम 2,000-2,500 रुपये तक खर्च कर देते हैं। यानी 1 रुपया बचाने के लिए 20-25 रुपये हम खर्च कर देते हैं। ये तब तक संभव रहा जब तक किसानों को कीटों की जानकारी नहीं हुई। जिस इलाके में कीटों की जानकारी किसानों को हो गई तो वो किसान इस खर्च से बचते रहे और पर्यावरण को भी शुद्ध करते रहे। सर, हम ये माने कि अगर नए ढंग के साथ हम लोग इन चीजों के लिए किसानों को जागरूक करें तो वही पुराने, वही कीट, वही सिस्टम आ सकता है। और पेस्टिसाइड से कहा, जिसके कारण हमारा पंजाब और हमारे जो साथ लगते सूबे हैं जिनमें कैंसर और बहुत बुरी बुरी बीमारियां हैं जो आ रही हैं, तो फिर से पंजाब जो है खुशहाल पंजाब बन सकता है। बिल्कुल, मैं खेती विरासत मिशन के साथ मिलके यहाँ पिछले 6-7 सालों से सक्रिय हूँ और किसानों को इस मामले में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस क्षेत्र में हम समझा जाते हैं तो वहाँ पे पेस्टिसाइड का ऑटोमेटिकली प्रयोग कम होता जाता है, जीरो नहीं हुआ है किसी भी क्षेत्र में, लेकिन कम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उस एरिया में जब बात करने का जब किसानों से हमारा दोबारा सौभाग्य होता है तो वो किसान बहुत खुश होते हैं और उनकी आर्थिक दशा भी बदली होती है, उनकी मनोदशा भी बदली होती है और खेती करने के ढंग उनको समझ में आ जाते हैं। अभी तक हम जिन लोगों को वैज्ञानिक मान रहे थे उनके कारण हम भ्रमित हुए। दरअसल वो एक एक सब्जेक्ट के ज्ञानी थे और किसान को चारों तरफ का ज्ञानी होना चाहिए। पौधों में और जमीन में एक संबंध होता है, जिस पौधे को जमीन नहीं चाहेगी उसमें हम उसको नहीं उगा सकते। कई बार हम हमारे न चाहते हुए भी जमीन किसी पौधे को उगने की इजाजत दे देती है, तो वो चीजें यदि किसान समझना शुरू कर दे तो हमारे को ज्यादा फर्टिलाइजर वगैरह का भी सहारा नहीं लेना पड़ेगा और पेस्टिसाइड की तो 1 ग्राम की भी पूरे हिंदुस्तान को जरूरत नहीं है। कीटों के बगैर खेती संभव नहीं है, कीटनाशकों के बगैर खेती संभव है, ये हमारे गुरु जी का नारा था। सर, बहुत आपका धन्यवाद, जो आपने इतना बड़ा जो ज्ञान है वो हमारे दर्शकों के साथ, सर और इनके साथ जो आई हुई टीम है उससे शेयर किया। आपका धन्यवाद हमें समय देने के लिए, और हम चाहेंगे कि आपका जो यूजफुल टिप्स हैं, जो भी हमारे चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं वो लोग इन चीज़ों को फॉलो करें। आपका हमें समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल शुक्रिया पंजाब प्लस और सारे दर्शकों का भी, और सबसे बड़ा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर दर्शन मलिक जी का और उनके साथ आए हुए सहयोगी भाई उनके मनवीर जी का, जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से जो पेस्टिसाइड की जो कीटनाशक जब का जो रिश्ता है उसकी जो डेफिनेशन है उसे सिंपल लैंग्वेज में समझाया। एक्चुअल में हमारी संस्था का मेन काम ही यही है कि हम लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं नेचुरल हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड। और जब नेचुरल हेल्थ साइंस की बात आ जाती है तो उसमें ओनली हेल्थ की बात नहीं है, उसमें कंप्लीट आपका जीवन, जिसे हमारे 3 मिशन है,
पहला ये कि हम आपको आपके परिवार का डॉक्टर बनाएंगे, दूसरा आपके अंदर वो शक्ति पैदा करेंगे कि आप अपनी और अपने बच्चों की उम्र को 100 साल तक लेकर जाओ, और तीसरा हमारा है कि पहला सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख है घर में माया। तो इसमें जो 100 साल की जर्नी की हम बात कर रहे हैं, वो कोई ऐसा नहीं कि हमने कोई जादू की छड़ी दे देनी है, वो हम लोगों को अगर उस लेवल का ज्ञान दे देंगे, उनको ये समझ आ जाए कि हमने अपने जीवन को किस तरीके से डिजाइन करना है, ताजो हमारी बॉडी हमारा रहन सहन इस तरीके का हो जाए कि अपने आप हमारा जीवन 100 ईयर्स के लिए 100 साल के लिए तैयार हो जाए। तो वो चीज़ें एजुकेशन से आएंगी। तो वो जो जो लोग इस नेचुरल साइंस में जो नेचर ने एक्चुअल में क्या रहता है कि हमें लगता है कि कई बार हमने इस सब्जेक्ट को चूज़ किया है, लेकिन मेरे जीवन का एक्सपीरियंस ये है कि अच्छे काम के लिए इंसान नहीं, भगवान उस आपको चूज़ कर लेता है। तो जिनको भी भगवान ने चूज कर रखा है इस अच्छे काम कार्य के लिए, हम सबको एक साथ एक मंच पे, एक स्टेज पे, एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, और जिससे हम पूरे विश्व को जो हमारे एक यूनिवर्सिटी लेवल है नेचुरल साइंस का, हम इंट्रोड्यूस करवा सके। सो सभी दर्शकों का देखने के लिए और पंजाब प्लस का हमें प्रेजेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।